तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से मिथिलेश भाटी के एक बयान पर, जिसको नोटिस भेजा गया। जब मीडिया रिपोर्ट वालों ने पूछा कि आपको नोटिस मिला है एपी सिंह की तरफ से, आप समझ ही गए होंगे वो कौन से अल्फाज है जिसकी बुनियाद के ऊपर एपी सिंह ने उनको नोटिस भेजा है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। वो अल्फाज थे झिंगुर सा सचिन और लप्पू सा सचिन। इस किस्म के जो अल्फाज दिए गए उसके ऊपर एपी सिंह ने उनको इज्जत हत्तक का दावा किया है। और कोई मतलब एक आम सी लैंग्वेज के अंदर जब हम किसी की बात करते हैं, बल्कि आज तो हम उस दौर में रहते हैं जहां पर मीम्स बनते हैं और इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के मीम्स बन जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो वो तो बेसिकली है ही लप्पू सा और पूरी दुनिया ही परेशान है कि इस झिंगुर के अंदर है क्या और चू ऐसा सचिन, इस तरीके के जो अल्फाज वहां पर वायरल हुए। और आप सभी जानते हैं कि ये अल्फाज बहुत ज्यादा मिथिलेश भाटी के वायरल हुए थे इंडिया में, हर जगह पर इस पर मीम्स बने और इसमें कोई दोहराई बात भी नहीं है कि ऐसा ही है। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो है वो बड़ी अजीब है कि एपी सिंह भी खुद को सुर्खियों में रखने के लिए, जब से ये एक पब्लिसिटी इंस्टेंट हुआ है, हमने जब से देखा कि सीमा वाला मामला जो रिपोर्टर्स ने आकर जिस तरह इसको परवान चढ़ाया और इसको इतना हाइप क्रिएट की गई, उसके बाद एपी सिंह भी फ्रंट लाइन होकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने लगा। यहां तक कि वो ये कहते हैं कि उनके नाम से लोग जो है वो पब्लिसिटी बटोर रहे हैं, जबकि जो देखने वाली चीज है वो ये है कि एपी सिंह सीमा के नाम से पब्लिसिटी लेते जा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही रुख के सिक्के लगते हैं। मतलब अगर ये इसको काउंट ऐसे किया जाए कि सिक्के के दो रुख है, तो एक पर सीमा हैदर होगी, सचिन होगा, और दूसरी तरफ एपी सिंह होगा। कोई भी बात हो, सीमा कोई ऑडियो निकाले, वीडियो निकाले, उसमें एपी सिंह का जिक्र जरूर होगा। और एपी सिंह अगर बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर सचिन और सीमा का जिक्र तो होना ही होना है। आगे बात करते हैं, हमने आपको पहले ही कहा कि हमारे जराए के मुताबिक सीमा को अब इस्तेमाल किया जाएगा 2024 के इलेक्शन में, और वो बीजेपी करेगी, मोदी करेगा, मोदी सरकार करेगी कि देखें आप वो, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सारे हिंदू और मुस्लिम फसाद पर ही बात करते हैं, उन दोनों के अलग करने की बात करते हैं, पीस को ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन हमने हमेशा अपनी वीडियोस में और ऑडियोज में यही कहा है कि देखें जब जंग होगी तब देख लिया जाएगा, लेकिन जब हम लोग साथ रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ हम वक्त गुजारते हैं, हमारे दोस्त हैं, आपके वहां पर भी घरों में आना जाना है, आप लोगों का तो सेक्युलर स्टेट है, लेकिन सच बात तो ये है कि मोदी जैसे लोग और योगी जैसे लोग एक धब्बा है सेक्युलर स्टेट के नाम पर, क्योंकि फिर ये सेक्युलर स्टेट नहीं बचती कि जब आप मुसलमानों को टारगेट करें, जब हिंदुस्तान में हर मजहब का इंसान आजादी से अपनी राय दे सकता है, वहां जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसा देखने को नहीं मिलता, उन्हें टारगेट किया जाता है, उनसे जबरदस्ती जो है जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। हमने कई वीडियोस में आपको दिखाया कि पाकिस्तान में 1% भी ऐसा नहीं है, हत्ता के आप चलिए, आपको अनकरीब हम ये विजिट करवाने वाले के आपके मंदिरों के बाहर आपको दिखेगा कि पुलिस की नफरी बैठी हुई है, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में मस्जिदों के बाहर दिखाएंगे वहां पर कोई पुलिस नहीं होगी। हत्ता कि आपने देखा कि इधर यहां पर पाकिस्तान में इतनी भी नफरी नहीं दी जाती कि कोई जुलूस हो रहा है या 12 रबीउल अव्वल का बहुत बड़ा जुलूस हो रहा है, उसमें भी लास्ट टाइम ब्लास्ट हुआ है। बहुत सारे रूमर्स हैं किसने किया, कि ये ब्लास्ट में कौन इन्वॉल्व थे कौन नहीं थे, क्योंकि मुसलमान तो चाहे कहीं पर भी हो आप देख रहे हैं कि वो गैर महफूज ही है, चारों तरफ से उसी के ऊपर मामला करके उन्हीं को दबाया जाता है और उन्हीं को दहशतगर्द बनाया जाता है। यहां पर भी जब असाइलम लेने के लिए इन जैसे लोग बेगरत वहां पर जाते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम फसाद में फिर एक और बार उस चीज को, उस रिश्ते को आग में झोंक देते हैं कि कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है, वहां पर औरतों के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। अरे यार, आपने खुद वीडियोज देखी है, वो अपने बाप के साथ नाच रही है, इससे ज्यादा और उसको आजादी क्या है? अगर आजादी नहीं थी, चचा का नाम लेती हो तो बाप के साथ डांस कर रही है। लेकिन मसला यह है कि चंद इंतहा पसंद हिंदू हो या ऐसे इंतजार फैलाने वाले कोई मुस्लिम्स हो, तो वो दोनों लोगों के दरमियान आग लगा देते, जिससे मोहब्बतें खत्म हो जाती। हमारा कहने का मकसद हमेशा यही होता है कि मोहब्बतों का पैगाम जारी रहना चाहिए, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रहना चाहिए, ना कि इन जैसे लोग जो है इस चीज को परवान चढ़ाएं कि देखें वो हिंदू है वो मुसलमान है। देखें जब कोई मामला अगर होंगे तो वो सबके साथ होंगे, लेकिन उससे पहले कबल इस वक्त ये चीजें होना, एक दूसरे के दिलों में नफरतें पैदा करना, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये बात मिथिलेश भाटी के हवाले से करने की वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि इनकी पावर्स को चेक करें,
कि ये अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। ये नॉर्मल से जुमले आप मोहल्ले में भी कह देते हो, मीडिया पे मीम्स बनते हैं, लेकिन अगर आप सीमा के खिलाफ जाओगे, आप सीमा के खिलाफ कोई मुहिम चलाओगे, तो आपके लिए कानूनी चारागोई की जाएगी, आप पे केस किया जाएगा, क्योंकि एपी सिंह तो वकील है, वो किसी के ऊपर भी ये चीज कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये एक मुनज्जम ग्रोह है, और मैंने लास्ट भी आपको बताया था हमारे जराए के मुताबिक दुबई से एपी सिंह ही इसको लेकर गया है, जो वहां पर स्टे 8 दिन का किया गया। 5 मोबाइल निकलना किसी भी खातून के पास से कोई जवाज ही नहीं बनता, लेकिन यहाँ जवाज बना लिए जाते हैं। अपनी सोच के दायरा कार को बढ़ाइए, और मैंने आपको यही कहा था, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये जो प्यार आप हमें दे रहे हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय जब हम देखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हिंदू आपस में आकर मुस्लिम्स के साथ प्यार करते हैं और मुस्लिम्स यहाँ पर आकर प्यार करते हैं, इस चीज़ के अंदर बिला वजह की लकीर को ना खींचा जाए, आपस में एक दूसरे को टारगेट ना करें, असाइलम लेने के लिए इस तरह गिरी हुई हरकतें ना करें कि आपको वहाँ की जो है नागरिकता मिल जाए और उसके लिए आप जो चाहे झूठ बकें, जो भी चाहे नफरतें पैदा करें, ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तबीयत नासाज है, फिर भी आपके सामने किसी न किसी वीडियो के थ्रू आपसे बात करने के लिए मौका निकाल लेते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।